हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ सब आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी कॉलेज की जो प्रेफरेंस है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, अभी जो टाइम है सब टेंशन में हैं सारे बच्चे कि सर हमारी आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज और जो है बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन कहीं भी कोई भी या फिर आप CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपने वहाँ पर देखा होगा कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि सर फलां डेट को या फलां दिन फलां तारीख को आपकी जो है आंसर की आएगी। देखिए आंसर की आएगी तो वो जो प्रोविजनल आंसर की आएगी, आप प्रोविजनल आंसर की का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको अगर आपको कोई इशू है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, देन उसके बाद में जो है आपका फाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, आज है 21 जून, अभी तक जो है आंसर की का कोई अता पता नहीं है, तो ये कुछ दिन और डिले हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो टाइम है वो है कॉलेज प्रेफरेंस भरने का। ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस शीट करने का, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि जो है कुछ अपने ऊपर काम किया जाए। जो बेटा अपने ऊपर जब इंसान काम करता है ना तो वो कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त कर लेता है। और बेटा CUET में जो CUET का एग्जाम दे के जो बच्चा बैठा है, निश्चिंत बैठा है, वो अब थोड़ा सा अवेयर होने की उसको जरूरत है, नीड है उसको कि वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए। अवेयर किस फील्ड में कि बेटा आप जैसे मान लीजिए अभी आपका रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जैसे आएगा तो आपको पता है कि DU का सास जो फेज टू है वो ओपन हो जाएगा। बहुत सारे जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने भी अपना जो है ऑनलाइन पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपने सबने प्रीफर जो है अपने प्रेफरेंस को फिल कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन जो कॉलेज जो प्रेफरेंस शीट है उसमें बच्चों को जो है बहुत दिक्कत आ रही है। और बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं जो हूँ मैं कॉलेज को टारगेट करूँ या फिर मैं जो हूँ कोर्स को टारगेट करूँ। अब आजकल क्या है कि जो जनरेशन है वो बच्चे जो है हवा हवाई में बातें करते हैं, ग्राउंड लेवल पे उनको कुछ नहीं आता। तो उनको उन्होंने जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ये टारगेट कर लिया कि जो है मुझे सर DU में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, कोई भी कॉलेज मिले मुझे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे DU में जाना है, मान लीजिए आपको कोई भी कोर्स मिल जाए, आपके लिए अभी वरी नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है 3 साल के बाद में आप क्या करेंगे। ठीक है, जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा 4 साल के बाद में आप क्या करेंगे, 5 साल के बाद में आप क्या करेंगे। तो इसका जो है बेटा पूरा प्लान आपके पास अभी से होना चाहिए। जिन भी बच्चों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया है तो इस पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ को फोकस में लाइए कि आपको इन फ्यूचर जाके क्या करना है। बेटा अच्छा कॉलेज, मैं मानता हूँ कि अच्छा कॉलेज एक आपके टैगलाइन लग जाती है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन आप ये भी मत भूलिए जहाँ भी आप जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, आपकी एक जो जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, जब भी कोई टीम बनाई जाएगी तो बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे जो आपसे जो आपकी कॉलेज से होंगे या आपसे भी अच्छे कॉलेज से वो पढ़ के पास हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे जो लगता है बेटा कि आपको जो कॉलेज की बजाय आपको जो है कोर्स को प्रीफ्रेंस करना चाहिए। अब कोर्स को प्रीफ्रेंस क्यों करना चाहिए उसको हम डायरेक्ट यहीं से समझेंगे। मैंने कोई बहुत ज़्यादा PPT नहीं बनाई है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया बेटा कि आपने DU को टारगेट किया कि सर मुझे जो है DU में जाना है। ठीक है, मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स। ठीक है, आपको चाहिए क्या, फिजिक्स ऑनर्स। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री मिल गया, भाई ये आपके हाथ में थोड़े ना है, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है। आपको चाहिए था फिजिक्स, मिल गया क्या केमिस्ट्री। अब आप सोचिए अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको फिजिक्स ज़्यादा समझ में आएगा या केमिस्ट्री ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने जो इसको प्रायोरिटी दी है तो कहीं ना कहीं ये है कि आपका दिल और दिमाग ये कहता है कि फिजिक्स में जो है आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं बजाय केमिस्ट्री के। ठीक है, ऐसे तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन जब आपको पता है कि DU का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने 12th में जो आपके सब्जेक्ट रहे हों आप वही लेंगे, या आपको भी बहुत पता ही होगा। तो अब आप DU में पढ़ के क्या करेंगे, जब आपके पास में जब आप 3 साल के बाद में जब कॉलेज से आप बाहर आएंगे, जॉब के ले जाएंगे, जब आप एक अपना नया जीवन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो नॉलेज होगा वो केमिस्ट्री का नॉलेज होगा, लेकिन आपके जो इंटरनली जो फैक्टर है वो आपको फिर भी आपके पास में ये वाइब्स आएंगी कि यार मैं फिजिक्स में कर लिया होता तो आज कुछ और होता। ठीक है, ये बात होगी 3 साल के बाद में। तो बेटा कन्फ्यूज यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको कॉलेज भी अच्छा चाहिए, आपको कोर्स भी अपने मन मुताबिक मन पसंद आपको जो है क्या चाहिए, कोर्स चाहिए।
तो इसका एक ही जो सबसे अच्छा इलाज है वो है कोर्स प्रीफ्रेंस, ठीक है। तो आपको जो कॉलेज की जो प्रीफ्रेंस करनी है वो इतने अच्छे से करनी है, दिन रात एक कर दो, इसमें 2 से 3 दिन का आप समय लगा दो, आप कुछ मत देखो, जब भी आंसर की आएगी आपको पता लग जाएगा, हर आदमी पता लग जाएगा, आप दिन में सुबह दोपहर शाम आंसर की से अपडेट रहिए। बाकी जो अपना पूरा का जो पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कॉलेज की प्रेफरेंस में लाइए कि आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, आपको कौन सा कोर्स चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे ना वो कम आए थे, ठीक है, जिनके कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स जो है कम आए थे, लेकिन उनको जो है कॉलेज जो मिला था वो टॉप कॉलेज का कॉलेज मिला था। टॉप कॉलेज क्यों क्यों मिला था, अब देखिए इस चीज़ को समझिए। अब आपने DU में अप्लाई किया, ठीक है, आपको चाहिए था कौन सा, फिजिक्स मिल गया केमिस्ट्री, लेकिन उस बच्चे ने, ये मान ली ये कोई बी बच्चा है, ये कोई बी बच्चा है, अब ये जो बी स्टूडेंट है इसने क्या काम किया, इसने क्या किया कि पहले नंबर पे इसको केमिस्ट्री में आना था तो इसने पहले नंबर पे केमिस्ट्री ले ली, दूसरे नंबर पे फिजिक्स ले ली, ठीक है। तो ये बच्चा जो है आपसे आगे हो गया, इसको जो है एडमिशन पहले मिलेगा DU में। तो जितना भी जो गेम है, अब जो गेम है वो बेटा अब जो पढ़ाई करने का नहीं है, अब जो रिसर्च करने का है तो रिसर्च करिए, तो आप जो है कॉलेज की जो प्रीफ्रेंस जो शीट आप उसके ऊपर रिसर्च करिए, जितना हो सकता है रिसर्च करिए, जहाँ से मिल जाए, कटो मिल जाए, कोई यूट्यूब से मिल जाए, कोई बुक से मिल जाए, कोई आपको चाहिए कोई 5,000 कोई कोर्स भी लेना पड़ता है तो आप लीजिए, क्योंकि एक बार जब आपका एडमिशन हो गया तो 3 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है, ठीक है, 3 साल के लिए बेटा आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है। तो आपको कॉलेज प्रीफ्रेंस भरना है, अगर किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कॉलेज प्रीफ्रेंस भरने में कोई इश्यू आ जाता है या कोर्स की जो आपको उसको मैं कहूँगा कोर्स जनरेट करना है ना, तो वो जो कोर्स जो रिडक्शन जो फाइल आप बनाएंगे अगर उसमें कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा और मैं उसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर भरना कैसे, तो बेटा आपको क्या करना है कि सारे जितने भी कॉलेज हैं, मान लीजिए ए कॉलेज है और उसमें आपको बी कोर्स लेना है, ठीक है, और इसमें सी कोर्स भी है और डी कोर्स भी है, तो आपको ए कॉलेज के सारे के सारे जो कोर्स हैं वो भरने हैं, सारे के सारे A to Z जो है कोर्स भरने हैं, साथ में उसको जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसकी एबिलिटी क्या है ना, आप वो भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपने कोर्स जो है प्रिडिक्शन तो कर लिया, आपने भर दिया, पता लगे उसकी जो यूनिवर्सिटी है कॉलेज जो है उसकी जो है एबिलिटी कुछ और है, और या फिर आपके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, है ना, तो आपका जो है कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, वो ऑन द स्पॉट आपका लास्ट में जाके ऑन द स्पॉट आपका फॉर्म का क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, आपको रिजेक्ट मिलेगा बहुत सारे बच्चों का भी, इसलिए मैं आई थिंक 2 से 3 लाख बच्चे जो है उनका अच्छा स्कोर था, सिर्फ और सिर्फ उनका यूनिवर्सिटी की साइड से उनका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया गया कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो अपने जो जो डिटेल्स थी वो गलत फिल की थी। अब गलतियाँ यहाँ पे हो जाती हैं कि आपको जो प्रेफरेंस सीट है यहीं पे जो वो जो गलती है उन्होंने यही बताया कि जो प्रेफरेंस सीट है वो गलत भर दी है इन्होंने, तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपके लिए आपका भाई बैठा है, आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको 2 कॉलम बना लेने, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, 2 कॉलम बना लेने, एक कॉलम में जो है आप अपने कॉलेज का नाम रखिएगा, दूसरे कॉलम में जो है आप जो है कोर्स को मेंटेन करिए, ठीक है, एक कॉलेज में कोर्स और एक में क्या करिए कोर्स, उसकी एक बार जो है रफ एक शीट तैयार करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, उसके बाद में हम दोनों भाई मिल के बैठ के हम उन चीज़ों पे बात करेंगे, हम उन चीज़ों को आपकी जो प्रॉब्लम्स है मैं उसको शूट आउट करवाऊंगा, बिल्कुल शूट आउट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे पहले खुद से कुछ करिए, क्योंकि वो आपको पता है कि आपने जो है कौन कौन सा कॉलेज और कौन कौन से जो कोर्स को टारगेट किया है, जैसे ही आपको सबसे और उससे बड़ी बात यह कि जैसे ही आपका आंसर की आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको अगर आप चैनल पर नहीं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जितने भी अपडेट्स आएंगे ऐसे जो हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिन पे कोई भी बात नहीं करता है, ठीक है, कि कॉलेज प्रेफरेंस ऐसे भरिए, अरे भैया भर तो लेंगे लेकिन हमें ये तो पता हो कि किस कॉलेज को टारगेट करना है पहले, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा झारखंड का बच्चा है, उसके लिए BHU जाना बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अगर आप एक बच्चा है दिल्ली का है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जाके क्या करेंगे, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारे कॉलेज, जैसे अभी 2 दिन पहले IP यूनिवर्सिटी का आया, अब आपको पता है बेटा IP यूनिवर्सिटी में क्या होता है, खुद का भी CET जैसे एग्जाम होता है उनका, खुद का क्या होता है CET एक एंट्रेंस टेस्ट होता है खुद का,
बाकी वो जो कुछ सीटें हैं वो उन सीटों पे क्या लेते हैं, सीयूटी से भी ले रहे हैं, तो उसमें भी एक आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको ये जो चीज़ें हैं पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पता लगेंगी आपको, जो जब आप इन चीज़ों पर रिसर्च करेंगे, जब आप इन चीज़ों पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी ने भी आपके जो एडमिशन प्रोसेस को ओपन कर दिया गया है, अब जेएनयू का भी ओपन होने ही वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, आपको अपने लेवल पे आपने क्या क्या जो है, क्योंकि बेटा आपको आगे जाके क्या करना है ये आपको पता है, ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। देखिए जब आप कहीं कुछ जाएंगे, आप जॉब के लिए जाएंगे, आप जब बिजनेस करेंगे या आप गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको आपको क्या काम आएगा, आपकी नॉलेज काम आएगी। और नॉलेज का मतलब क्या है, कोर्स ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको केमिस्ट्री में कुछ करना है लेकिन आपको फिजिक्स मिल गया तो आप फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप केमिस्ट्री में कर पाते। भाई इस बात को आप दोबारा सुन लीजिए कि अगर आपका इंटरेस्ट एरिया केमिस्ट्री है तो बेटा आप केमिस्ट्री में ही जाइए। अगर आपको ये कहता है कि सर मुझे तो DU की जो जो किसी एक कॉलेज में जाना है तो मुझे उसमें केमिस्ट्री नहीं मिल रहा है, दूसरे कॉलेज में मुझे केमिस्ट्री मिल रहा है, आपको लगता है कि वो कॉलेज थोड़ा मतलब ठीक है, ठीक ठाक कॉलेज है लेकिन उसमें केमिस्ट्री आपको मिल जा रहा है, तो बेटा बेहिचक उसमें आप एंट्री कर लीजिएगा। और वो आपकी जो शीट तैयार होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रीफ्रेंस के आधार पर तैयार होगी कि आपने जो कॉलेज में जो प्रीफ्रेंस है वो कैसे भरा है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, जो अगर टाइम है तो बेटा उसको यूटिलाइज कीजिए प्रीफ्रेंस जनरेट करने में, कि आप जो है प्रीफ्रेंस भरिए, अच्छे से अच्छे प्रीफ्रेंस भरिएगा, ठीक है। आप रिसर्च करिए, आप कॉलेज की जो एबिलिटी है वो पढ़िए, लास्ट डी कट ऑफ आप देखिए। बाकी मैंने कुछ फाइल्स जो हैं अपने साइड से बनाई हैं, तो जिस भी बच्चे को वो फाइल्स चाहिए तो आप जो है कमेंट में मुझे बता सकता है, मुझे पूछ सकता है कि आशीष भाई आपकी जो है हेल्प मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा, इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो आपको, कोई भी इशू हो कि सर अभी देखो मैं आपको लास्ट में जाते जाते मैं दो चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपको एक तो टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी फर्स्ट एड नहीं होना है, ये चीज़ें अपनी डिक्शनरी से गायब कर दो क्योंकि अब आप जो है मैच्योर हो गए। नंबर टू कि आपका जो है कॉलेज की जो आंसर की है वो कभी भी आई, आज आए, कल आए, परसों आए, दो दिन में आए, पाँच दिन में आए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये हाथ में NTA का है ना। और आपको पता है NTA के क्या हालात चल रहे हैं, है ना, वो खुद टेस्ट में जो है फेल होती चली जा रही हैं। तो अब उन्होंने CUET का एग्ज़ाम लिया है तो वो तो भाई आंसर के रिलीज करेंगे ही करेंगे, फिर आप चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने के बाद में फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आने के 10 से 15 दिन बाद में जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि अभी आपके पास में 15 से 20 दिन का समय है, तो बेटा 15 से 20 दिन का समय जो है उसको ख़राब नहीं करते, ज़्यादा समय कभी भी रोक के नहीं आता। तो बेटा जो आपको जो समय दिया गया है उसमें आप और सिर्फ जो है कॉलेज की प्रेफरेंस देखिए कि सर मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे इस कोर्स में जाना है, मेरा इंटरेस्ट एरिया ये है, मुझे ये करना है, ठीक है, क्योंकि ड्रीम